प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस स्टेडियम का नाम वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। ये स्टेडियम वाराणसी के पिंडरा इलाके में स्थित है। इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की है। शिलान्यास समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह स्टेडियम वाराणसी के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम वाराणसी को खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेल को विषय के रूप में पढ़ाने की योजना बनाई है। इसके तहत साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की तर्ज पर स्पोर्ट्स के विषय की पढ़ाई हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेलों से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि खेलों से व्यक्ति में अनुशासन, लगन और जीतने की भावना का विकास होता है। उन्होंने कहा कि वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम वाराणसी को एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।